खेल रत्न के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ चार खिलाड़ियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित किए जाने वाले खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगाट, टेबल टेनिस स्टार मानिक बत्रा और पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थंगावेलू शामिल हैं। और इस सूची में हरियाणा की बेटी का नाम आते ही विनेश फोगाट के चरखी दादरी स्थित घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। विनेश फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बलाली गांव से हैं। विनेश अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान और दंगल गर्ल गीता फोगाट और बबीता फोगाट की चचेरी बहन है। तो मेरी बेटी को जो ने जो ये पुरस्कार दिया, इससे बड़ा पुरस्कार और प्लेयर के लिए कोई नहीं होता। तो मैं जो इससे मिलने जो इसी घोषणा की गई है, हमारे सारे परिवार में, रिश्तेदारी गांव में, और सुबह से काफ़ी टेलीफोन आए जो मेरी बेटी और खेल रत्न मिला है इसके लिए। तो मध्य दिल से भारत सरकार का और सिलेक्शन कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली वो देश की महिला पहलवान है। विनेश फोगाट को खेल रत्न के लिए लगातार तीसरे साल नॉमिनेट किया गया। उन्होंने पिछले साल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं रेसलिंग में पहला ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली वे महिला रेसलर भी हैं। इसके साथ ही वे ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई। मेरी बेटी ने इतना बड़ा अवार्ड लिया है, घोषणा करी सरकार ने, इसने खुशी कोई कसर नहीं है। खुशी में आज हमने लड्डू बांटे हैं और हमने खुशी मनाई। गौरतलब है कि विनेश फोगाट को रियो ओलंपिक 2016 में चोट लगी थी, जिसके बाद वो करीब 1.5 साल बिस्तर पर रही, लेकिन फिर शानदार वापसी करते हुए 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रच डाला था। और अब हरियाणा की बेटी को खेल रत्न मिलना हरियाणा के लिए भी एक गौरवान्वित क्षण है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, खबरें अभी तक।